लालूपा, ये वो मादा भेड़िया है जिसने रोम को बसाने वाले रोमस और रेमुलस को दूध पिलाया था। रोम में पत्थरों की लालूपा दिखती है। यहाँ ये 14 किलो च्यूइंग गम से बनी है और कीमत 28,000 यूरो। मेहनत से तराशी गई लेकिन कुछ बेढंगी सी भी। लोग मुझसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि क्या मैं सारे च्युइंगम खुद चबाता हूँ। ये मैंने अब तक करोड़ों बार सुना होगा। कभी कभी बोझ सा लगता है। वैसे शायद लोगों के मन में सचमुच ये सवाल उठता हो, लेकिन नहीं, मैंने इन्हें कभी नहीं चबाया है। पिछले 10 सालों से माउरिसियो सेविनी च्युइंगम से मूर्तियां बना रहे हैं। च्युइंगम को गर्म किया जाता है और सीमेंट के आकार पर चिपकाया जाता है। सीमेंट के बिना मूर्ति मजबूत नहीं होती। 39 साल के सेविनी के लिए च्युइंगम उनकी संस्कृति का भी हिस्सा है। allora cercavo appunto qualcosa che avesse una relazione con l'industria. मैंने पता किया है कि इस उद्योग का संबंध कला और सामाजिक इतिहास से है। ये मटेरियल 1945 में यूरोप आया। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था और 1950 तक ये जो गैर जरूरी च्युइंगम था उसने कोका कोला और नाइलन स्टॉकिंग के साथ मिलकर यूरोपीय संस्कृति पर धावा बोल दिया। अपने काम के लिए माउरिसियो एक खास कंपनी के गम का इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी का नाम वो नहीं बताना चाहते क्योंकि कंपनियां माउरिसियो का काम तो जानती हैं लेकिन च्युइंग गम दिलाने में उनकी मदद नहीं करती। माउरिसियो फैक्ट्री से सीधे गम लाना पसंद करेंगे लेकिन उन्हें मजबूर होकर छोटे पैकेट खरीदने पड़ते हैं और एक एक करके खोल कर इन्हें आटे की तरह गूंथा जाता है। कलाकार की मदद के लिए उनकी दो सहायक हैं। इस काम में बहुत वक्त लगता है। एक मूर्ति में 3,000 से ज्यादा च्युइंग गम है। माउरिसियो सेविनी की कला राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की आलोचना करती है और इसके लिए वो आमतौर पर एक रंग का इस्तेमाल करते हैं। Volevo soprattutto un questo colore, il rosa. मैं ये गुलाबी रंग चाहता था। मैंने पहले भी च्युइंगम के बिना इसी रंग में मूर्तियां बनाई हैं क्योंकि इस गुलाबी रंग में कुछ आर्टिफिशियल प्रभाव है। ये कृत्रिम दुनिया को दिखाता है। Rappresenta esattamente l'artificialità, dunque qualcosa che ti fa veramente pensare a un mondo artificiale. सेविनी रोम में पैदा हुए। उन्होंने वास्तुकला की पढ़ाई की और कुछ सालों के लिए विदेश में रहे। अब वे वापस अपने शहर में आ गए हैं। उनकी मूर्तियां दुनिया भर में विख्यात हैं और उन्हें एक मूर्ति के लिए 50,000 यूरो तक मिलते हैं। च्युइंग गम के बावजूद लोगों ने उन्हें गंभीरता से लिया है। सिर्फ पहली प्रदर्शनी में परेशानी हुई। पहली बार एग्जीबिशन अच्छा हुआ। एक ही परेशानी आई जो मजेदार भी थी। जो चीजें हमने बेची वे 3 महीनों में खराब हो गईं और सब ने इन्हें हमें वापस भेज दिया। मुझे पैसे वापस करने पड़े लेकिन मैंने वो पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे। च्युइंगम में चीनी की अधिक मात्रा से मूर्तियां खराब हो गईं। अब सेविनी अपनी मूर्तियों को फॉर्मल्डिहाइड और एंटीबायोटिक के एक मिश्रण से बचाकर रखते हैं ताकि उनके काम को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखा जा सके।